Lesson number 7, My Financial Career. इसको लिखा है स्टीफन लीकॉक ने और ये भी एक मजाकिया कहानी है और इसमें राइटर जो है वो अपना खौफ बयान करता है कि किस तरह से वो जब भी बैंक में जाया करता तो उस पर एक अजीब सी नर्वसनेस और एक अजीब सा खौफदारी हो जाता और उस नर्वसनेस में वो बहुत फ़नी किस्म की हरकतें किया करता था। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of the money rattles me, everything rattles me. The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. जब भी कहता है कि मैं बैंक में दाखिल होता हूँ तो क्लर्क्स को देख के, खिड़कियों को देख के, लोगों को देख के, बिल्डिंग को देख के, हर चीज़ जो वहाँ मौजूद होती है, मेरे हवास उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक मैं अच्छा खासा इंसान बाहर खड़ा होता हूँ बैंक के, लेकिन जो ही अंदर दाखिल होता हूँ तो यूँ लगता है कि मैं एक ईडियट हूँ, मैं एक अहमक हूँ, क्योंकि मेरी हरकत जो है वो मेरे रवैये को शो करती है। I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month and I felt that the bank was the only place for it. So I shambled in and looked timidly around at the clerks. I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. Writer कहता है कि मुझे इस बात का पहले से अंदाजा है कि मैं जब भी वहाँ जाऊँगा तो जाकर I would start behaving like an idiot. लेकिन फिर भी मैं वहाँ क्यों गया? कोई एक पढ़ने वाला या कोई भी शख्स कह सकता है, भाई जब तुम्हें घबराहट है तो वहाँ क्यों तशरीफ ले जाते हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहता रीज़न ये है कि मेरी जो सैलरी है वो $56 इंक्रीज कर गई। ठीक है, आपने सात सात चीज़ों को याद रखना है तो ही जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आपको याद रहेगा। छोटे छोटे फैक्टर्स को याद रखिएगा। ठीक है, पीछे जो हमने बात डिस्कस की वो ये है कि जैसे ही वो बैंक में एंटर होता है वहाँ जाके वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको जो चीज़ें हैं वो उसके सामने घूमना शुरू हो जाती हैं। अब वो क्यों बैंक में चला गया? इसलिए क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है $56 और वो जो है वो इसको जमा करवाने के लिए बैंक में चला गया ताकि उसकी बचत हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसको जो है वो डर लगना शुरू हो गया, घबराहट शुरू हो गई और उसने अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू कर दी। आई वेंट टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल रूड डेविल। द वेरी साइट ऑफ हिम रटल्ड मी। कैन आई सी द मैनेजर? आई सेड एंड एडेड सॉल्मनली, अलोन। आई डिड नॉट नो वाई आई सेड अलोन। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो जिस विकेट पर, जिस खिड़की पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट, वो उसके पास गया। वो एक लंबा चौड़ा सा और काफ़ी बदमिजाज सा शख्स था। कहता मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ये जो सेंटेंस है वो क्यों बोला। मैंने उससे पूछा क्या मैं मैनेजर को मिल सकता हूँ, और फिर थोड़ी ही देर के बाद कहा अकेले में। कहते हैं मैंने अपने आप को कोस रहा हूँ, यार मैंने ये तो कह दिया कि मैनेजर को मिलना है लेकिन ये मैंने क्यों बोला कि अकेले में। ये उसके लिए काफ़ी अजीबोगरीब था और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से ये वर्ड निकल गया। सडनली सेड द अकाउंटेंट एंड फैच टू हिम, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्बल्ड बॉल इन माई पॉकेट। आर यू द मैनेजर? आई सेड God knows, I did not doubt it. Yes, he said. Accountant ने कहा क्यों नहीं जी, मैं आपको ले चलता हूँ। वो मुझे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर काफ़ी संजीदा, खामोश तबाह और एक बड़ा सीरियस आदमी है। और राइटर ने क्या किया कि अपने $6 की जो है वो उसने एक बॉल सा बना दिया, जिस तरह से बच्चे जो हैं वो कागज़ का बॉल बना देते हैं या शॉपिंग बैग्स का बॉल बना देते हैं। तो उसने बॉल सा बना के तो उसने पकड़ा हुआ $56 का जो उसने जमा करवाने। अब इसको पता है कि जनाब मैनेजर के पास लेके जाया जा रहा है, तो मैनेजर ही है। इसके बावजूद फिर पूछता है क्या आप मैनेजर हैं? वो कहते जी मैं मैनेजर ही हूँ। Can I see you? I asked. Alone. I did not want to say alone again,
but without it, the thing seemed self-evident. The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. "Come in here," he said, and led the way to the private room. He turned the key in the lock. उसने दोबारा कहते मुझे समझ में नहीं आया कि फिर मैंने ये अकेले का वर्ड क्यों बोला. दोबारा उसने मैनेजर को कहा कि क्या मैं आपको मिल सकता हूँ अकेले में. फिर अपने आप को कोस रहा है कि पता नहीं यार मैं क्यों बोल देता हूँ अकेले में, हालांकि ये वर्ड नहीं मुझे बोलना चाहिए. अब जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गया इस बात पर कि अकेले में मिलना है. उसको कहते हैं अच्छा 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 सर, उठे आया है. उसको एक प्राइवेट रूम में लेके चला जाता है और वहाँ जाके दरवाज़ा बंद कर देता है. "We are safe from interruption here," he said. "Sit down." We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. अब वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई मदाखलत नहीं है और उसने कहा सर हम दोनों यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, कोई बदा हमें तंग करने नहीं आएगा. अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. ठीक है. "You are one of Pinkerton's man, I presume," he said. वो नाम लेके कहता है कि जी तुम पिंकर्टन एक जो है वो डिटेक्टिव है, एक सुराग लगाने वाली एजेंसी है. उसने कहा तुम वहाँ उसके बंदे तो नहीं हो. मैनेजर पूछ रहा राइटर से. "He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I knew what he was thinking and it made me worse." उसने कहा कि उसे कैसे लगा कि मैं एक जासूस हूँ. भाई उसकी हरकतें ऐसी हैं, मतलब इधर उधर देख रहा है कि कोई शख्स इसको ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, और फिर बार बार कहता है मैंने अकेले में मिलना है, तो कोई ऐसी ही बात होगी. अब जब उसने कहा कि तुम जासूस तो नहीं हो, तो ये जो वर्ड था उसने उसे मज़ीद बदहवास कर दिया राइटर को. नॉट फ्रॉम Pinkerton, I said, seemingly to imply that I came from a rival agency. To tell the truth, I went on, as if I had been prompted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. उसने कहा जी मैंने उसको कहा नहीं नहीं मैं इस एजेंसी से नहीं हूँ. अब उसके बात करने का अंदाज ऐसा था राइटर का कि जिससे जाहिर हो रहा हो कि भाई इस एजेंसी का नहीं किसी और एजेंसी का हूँ. ठीक है. और फिर उसने क्या किया कि थोड़ी ही देर बाद उसे बताया मैनेजर को कि नहीं मैं तो पैसे जमा करवाने आया था और मैंने बड़ा पुख्ता इरादा किया कि अपने सारे जो पैसे हैं वो आपके ही बैंक में मैंने जमा करवाने. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस. ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वाज द सन ऑफ बैरन रॉथचाइल्ड एज अ यंग गोल्ड. ओके. फिर यहाँ पर मैनेजर ने जो है वो उस इत्मीनान का सांस लिया, उसको सकून आया कि अच्छा भाई ये जासूस वासूस नहीं है. लेकिन फिर भी वो बड़ा पक्का सा सीरियस समूह बना के बैठा और उसने नतीजा निकाला कि शायद मैं कोई बहुत अमीर बैंकर का बेटा हूँ या एक जो अमेरिकन सरमायादार है उसका बेटा हूँ. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड. सर बहुत बड़ी रकम आपने जमा करवानी होगी. उसने कहा Fairly large, वाकई बहुत बड़ी है. I whispered, मैंने सरगोशी की. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. मैंने उसे बताया कि जब तो मैंने $56 जमा करवाने हैं, लेकिन $50 मैं हर महीने बाकायदगी से जमा करवाया करूँगा. The manager got up and opened the door. He called to the accountant. मैनेजर का तो दिमाग घूम गया. यार ये क्या चीज़ है, ये $56 के लिए मेरे पास आया और इतना टाइम स्पेंड किया. खड़ा हो गया, दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को आवाज़ दी है ताकि वो ये जो बंदा एक बदहवास सा बंदा इसको जाके ले जाए. मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, द जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट. ही विल डिपॉजिट $56. गुड मॉर्निंग. I rose. A big iron door stood open at the side of the private room. उसने अपने शख्स को आवाज़ दी, उसका नाम लेकर उसको कहा कि बड़ा ही रूड अंदाज में, बड़े सख्त अंदाज में कि भाई इस बंदे को ले जाओ, इसने $56 जो है वो जमा करवाने हैं. और इसके बाद उसने जो है वो दरवाज़ा बंद कर दिया मैनेजर ने. Good morning, I said and stepped into the safe. Come out,
said the manager coldly and showed me the other way. अब निकलते हुए जो जनाब राइटर साहब हैं उन्होंने क्या किया कि बाहर निकलने के बजाय सेफ के अंदर घुस गए क्योंकि वो बहुत नर्वस है और बहुत कंफ्यूज है. अब मैनेजर उसको कहते हैं कि सर बाहर तशरीफ लिए, ठीक है, और उस तरफ दरवाज़ा. I went up to the counter's wicket and poked the ball money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. जिसने जो बॉल बनाया हुआ था वो खिड़की में से अकाउंटेंट की तरफ फेंका क्या, और यूं लग रहा था जैसे कोई वो मदारी जो है वो करतब दिखा रहा हो. My face was ghastly pale. Here I said depositor. उसका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा जर्द हो रहा था और मैंने कहा कि भाई इसको जमा कर लो. The tone of the words seemed to mean, let us do this painful thing while the fit is on us. He took the money and gave it to the another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. अब एक शख्स ने उसे बैंक के मुलाजिम ने उसे एक दिया बुक सी दी और उसे कहा कि यहाँ साइन कर दें और जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ तो उन्होंने करवाई, लेकिन कहता है कि पूरा जो बैंक है वो घूम रहा था उसकी आंखों के सामने. इज इट डिपॉजिटेड आई एक्स्ट इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस. उसने बड़ी कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि जी पैसे जमा हो गए. Is it? said the accountant. जी सर हो गए, अकाउंटेंट ने कहा. Then I want to draw a check. जी मैं कुछ पैसे निकलवाना चाहता हूँ. My idea was to draw out $6 of it for present use. कहता है कि मैं सिर्फ 56 में से $6 निकलवाना चाहता था ताकि मैं मौजूदा जो भी मेरे अखराजात हैं उनको उन पैसों में से कर सकूँ. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. किसी शख्स ने खिड़की में से जो बैंक में खिड़की होती है ना उसको विकेट कहते हैं, उसमें से किसी ने उसको एक चेकबुक दी और लिखने के लिए भी उसको पेन वेन दिया. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वाज एन इनवैलिड मिलियनेयर. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन इट एट द क्लर्क. ही लुक्ड एट इट. व्हाट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट ऑफ अगेन ही आस्क्ड इन सरप्राइज. Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason. Now, I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing it to look at me. अब उस तरह से उसको लगा कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे पूरे बैंक को लग रहा हो कि जनाब ये कोई करोड़पति आदमी है. लेकिन उसने क्योंकि पूरा का पूरा जो बैंक है वो उसको खौफनाक सा ही लगता था, तो उस चेकबुक पे बचाए $6 लिखने की उसने $56 लिख दिए. जब उसने दिए कैश करने के लिए तो उन्होंने कहा, सर आपने $56 जमा करवाए और आप 56 वापस निकलवा रहे हैं. उसने कहा, हाँ जी मैं निकलवा रहा हूँ वापस, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास कुछ था नहीं. वो सोच रहा था मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं क्या कहूँ कि मैंने क्या कर दिया, क्या लिखना चाह रहा था और क्या लिख दिया. Reckless with misery, I made a plunge. Yes, the whole thing. You withdraw your money from the bank, every cent of it. Are you not going to deposit any more? said the clerk, astonished. Sir, आप सारे पैसे निकलवाना चाहते हैं? हाँ जी, ये एक पाई मैं निकलवाऊंगा इसमें से. उसने कहा, आप पैसे जमा नहीं करवाना चाहते? कहता जी नहीं, बिल्कुल मैंने पैसे जमा नहीं करवाने. Never और कभी भी नहीं करवाऊंगा. An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. I made a wretched attempt to look like a man with fearfully quick temper. The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said, What? How will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think, in 50s. अब एक अहमकाना सी एक अजीब सी सोच उसके जहन में आई कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे किसी बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी है भाई बैंक में, तो अब उस बेइज्जती के रिस्पांस में मैं क्या करूँ, मैंने नहीं चेक आपका खुलवाना यहाँ पे और सारे पैसे मेरे निकलवाओ. अब उसने पूछा, सर आप कैसे पैसे लेंगे? कहता क्या मतलब? कहता सर आप कैसे पैसे लेंगे? तो कहता 50-50 का दे दो.
he gave me a $50 bill and the six. उसने क्या किया कि उसको $50 का नोट दिया और फिर जो बाकी के छः हैं वो उसने पूछा, ही आस्क्ड रायली कि कैसे लेंगे भाई. ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट. उसने दिया और इसने फटाफट लपक के ले लिए. As the big door swung behind me, I caught the echo of the roar of laughter and went up to the ceiling of the bank. जैसे ही ये घूमता हुआ बैंक से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद किया, सब लोगों के हंसने की आवाज़ इस कदर थी कि लगता था कि जैसे वो छत को फाड़ के निकल जाएगी. बहुत सारे के सारे लोग बुरी तरह से हंस रहे थे. Since then, I bank no more. I keep my money in a cash in my trousers pocket and to saving in silver dollars in a sock. अब वो क्या कहता है कि इसके बाद तो भाई मैं कभी बैंक नहीं किया और अपनी जो मनी है वो मैं अपनी जुराबों में और अपनी जेब में ही सेव करके रखता हूँ. आइए हम टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. What light do the following expression throw on a Leacock's state of mind when he entered the bank, looked timidly around, shambled in? ये जो दो दिए हुए हैं फ्रेजेस ही कि बोझल कदमों से दाखिल हुआ और डरते डरते इधर देखा, तो ये क्या शो करता है कि राइटर की जो जहनी हालत है वो कैसी थी? सिंपल थिंग इज दैट कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था. Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर को कैसे लगा कि इसके पास कोई ना कोई ऐसा राज है जो ये उगलना चाहता है या मुझे बताना चाहता है? उसकी अपनी जो हरकतें, जिस तरह से वो चल रहा था और फिर मैनेजर को जाके विस्पर करता है, बड़ी आहिस्ता सी आवाज़ में कहता है जी मैंने आपको मिलना है, और एक वर्ड जो बार बार वो कहता है कि अकेले में मिलना है, अकेले में मिलना. तो उसको लगा इसके बिहेवियर से, इसके अल्फाज से, कि इसके पास कोई बहुत बड़ा राज है जो ये उगलना चाहता है. What was the attitude of the manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? जब मैनेजर को मालूम हुआ कि ये सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता है, तो उसका रवैया कैसा था? Obviously उसका रवैया बड़ा कोल्ड हो गया, बड़ा वो सख्त सा हो गया, और उसको गुस्सा भी आया कि शख्स ने मेरा कितना वक्त ज़ाया किया और इसने जमा क्या करवाना है, सिर्फ $56. इस बात पे उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका मूड ख़राब हो गया ना. ही बिकेम वेरी कोल्ड. वॉट ऑर्डर अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लीविंग द मैनेजर्स ऑफिस? और वो कौन कौन से गलतियाँ, कौन कौन से ऐसे ब्लंडर्स मारता है जब वो मैनेजर को ऑफिस छोड़ता? पहले तो ये हुआ कि वो सेफ के अंदर एंटर हो गया. दूसरे नंबर पे उसने क्या किया कि जहाँ उसने $50 लिखना था उसने $56 लिख दिया, और सारे के सारे जो पैसे थे वो उसको बाहर निकलवाने पड़े, उसने निकलवा लिए. आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी? ये जो हादसा हुआ इसके बाद वो अपने पैसे कहाँ रखता था? जी वो अपने पैसे जो है वो अपने ट्राउजर्स की पॉकेट में और अपनी सॉक्स में उसने रखने शुरू कर दिए. Give as many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank at the time he was there. ऐसे मिसालें दें जिनसे जाहिर हो कि लीकॉक जो है वो मुकम्मल तौर पर, जहनी तौर पर जो है वो खोया हुआ था जब वो बैंक में दाखिल हुआ. पहले तो जो है वो मैनेजर को मिलने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी उसने बिला वजह कह दिया आई वॉन्ट टू सी द मैनेजर. ये एक अजीब सी बात थी. फिर वो सेफ के अंदर एंटर हो गया, और इसके बाद जो है वो उसने अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए तकरीबन $6 निकलवाने थे और $50 उसने नहीं निकलवाने थे. तो फिर उसने क्या किया कि कन्फ्यूजन में और ब्लंडर में उसने $56 ही लिख दिए और उसको सारे डॉलर्स ही उसको निकलवाने पड़े. आई होप सो कि ये लेसन आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आया होगा. एक टिप याद रखिएगा कि जब आप लेसन सुनते हैं तो उसकी छोटी 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 सी जो इन्फॉर्मेशन हैं उसको ध्यान से सुना करें, और वही चीज़ें नेक्स्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं. उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल जो आपके टेक्स्ट के हैं ये बने बनाए वैसे ही आ जाएंगे. वही चीज़ होती है, लेकिन
जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो ऊपर नीचे हो जाती हैं. सो आपके चैप्टर को थॉरली पढ़ना, उसको कम्प्लीटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एक एक लाइन को गौर से देखें ताकि अगर क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इसका क्या आंसर है. थैंक यू वेरी मच.